मतलब खेल में पिछड़ना, खराब दिन आना, उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन टू प्रिपेयर फॉर डिजास्टर, गोल्ड मेडल अगर किसी को देना है इंडिया को दे दो। और इंडिया ने हैट्रिक की है 3 साल लगातार, तैयारी तो आप 3 साल लगातार ये तैयारी डिजास्टर की ही करते आए हैं। तैयारी तो डिजास्टर, गड्ढा खोदो गिर जाओ, फिर गड्ढा खोदो फिर गिर जाओ, और तीसरे साल फिर गड्ढा खोद लो और गिरने की पूरी तैयारी कर लो। यहां पर 130-140 करोड़ लोग जो है वो वर्ल्ड कप करते रहेंगे, वर्ल्ड कप आएगा, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स आएंगी टीवी पे, हम शोज करेंगे, हम सब कहेंगे कप लेकर आना रे, ये कप इंडिया का है, इंडिया मांगे कप, इंडिया कहेगा जी हमने बड़ी हद कर ली, सेमीफाइनल तक जाना है। छोड़ के चला गया, ये भी होती है जो लोग विराट को सेल्फिश बोलते, विराट ऐसे नहीं खेलता, विराट सबको खिलाता है अपने आसपास, ये तो शटर डाउन करके अपना चले जाए बस। और जब बात बारी आई बार देगी तो भाई आउट होके चला गया। अबे कितने रन बचाइए भाई, यहाँ पे कम से कम 250 तो बनाओगे। अब वही है ना सुशांत भाई, में 250 भी नहीं बनाओगे। सूर्य कैसे हिट करने को बैठ जाए, शामी भाई का वैसी उम्मीद करोगे आप फाइनल में इंडियन क्रिकेट टीम? अगर इन्होंने तुम्हारी टेल उड़ा दी, भगवान ना करे ऐसा, अगर इन्होंने तुम्हारी टेल उड़ा दी, 250 भी ना बने, किस मुंह से तुम बॉलर को बोलोगे बॉलिंग करें? वही तो बात है। मैंने तुमसे कल क्या पूछा था कि तुम्हें अपनी बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा है कि तुम्हें अपनी बैटिंग पे ज्यादा भरोसा है? बॉलिंग बॉलिंग मैं बिल्कुल सही है भाई, बॉलर आपको 250 में भी जिता देंगे, मैं विश्वास करता हूँ बॉलर पे, 100% मुझे यकीन है कि बॉलर्स आपको 250 में भी मैच निकाल के दे सकते हैं, ये बॉलर्स। बट यार फिटे वो ऐसी बैटिंग के उसको बस बोल रहे हैं पिच मुश्किल है, बट मेरे को तो नहीं लगता यार कि अगर इतनी मुश्किल कोई पिच नहीं है जहां पे 107 बॉलों में आप ये 50 की स्ट्राइक रेट से खेलोगे। यार आप 250 तो बनाओगे ना यार, 230 तो नहीं बनाओगे, तो भूल जाओ 250 का डर लगा है। मैं कह रहा हूं यार आप 250 तो बनाओगे पिच, जितनी मर्जी करो, 27 का डर है। मैं तो तालियां बजाऊंगा इंडिया की परफॉर्मेंस पे, तो काहे की बैटिंग है आपकी? आप तो बड़ा सपना लेकर आए थे, आप तो यहां पे तालियां बजा रहे थे, आप कह रहे थे अब ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ये बैटिंग हुई है सारे इतने अलग अलग तरह है, गार्ड अलग अलग तरह का, राहुल जिस तरह से बैटिंग कर रहे भाई 42वां ओवर आ गया है, तो अभी भी अगर गेंद को रोकने जाएगा सिंगल निकालने, कम से कम ऑस्ट्रेलियंस को तो पता है राहुल को बॉल डालो, राहुल ने डक कर रहे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिसमें अभी तक इंडिया टीम अनबीटेबल टीम थी, और इंडिया टीम का मतलब कि वो 8 का मैच फाइनल ऑस्ट्रेलिया से जीतकर क्लीन स्वीप कर देगी। भारतीय मीडिया ने, भारतीय जर्नलिस्ट ने बड़ा शो मचाया था कि आज इंडिया ऐसे बड़े रन से हराएगी जिससे इंडिया अपनी एक यूनिक नई पहचान कायम करेगी, लेकिन आज के मैच में कुदरत का पैंतरा बदल गया, रोहित लेवन पूरे तरीके से हार गया। आज के मैच में इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी रोहित लेवन ने, रोहित शर्मा की बात करें नॉट आउट, बिल्कुल सिफर बैटिंग सिफर परफॉर्मेंस, विराट कोहली सिफर, उसके बाद केएल राहुल ने जरा जान मारी लेकिन केएल राहुल भी टीम के डूबते नज़र को पार नहीं लगा सके। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, कोई भी टीम आए, शुभमन गिल आए, बिल्कुल कोई टीम भी कोई प्लेयर भी कुछ नहीं कर पाया। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि जिस तरह हमें बड़े बड़े दावे किए थे, तमाम के तमाम दावे हमारे मुंह पर ही पड़े रह गए, जिस तरह हमने उम्मीदें लगाई थी कि आज के मैच में ये रोहित लेवन इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन आज के मैच में छोटा सा टारगेट अपने ही होम ग्राउंड में जहां पर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की थी उसके अंदर 241 रन का टारगेट देना बिल्कुल बहुत शर्म की बात है, और ये शर्म जो है, जो शर्मिंदगी जो आज की हार है, वो कई सालों तक भारत यानी रोहित इलेवन के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती रहेगी। रिवर्स स्विंग पर अभी आपके सामने केएल राहुल का बना के दिखा दे डॉट बॉल के साथ, 10 ओवर के बाद 32 ओवर तक आपका क्राउड शांति रहा है, दुनिया पूरा भारत ये भी बचा स्लोगन दिए, और ऑस्ट्रेलियंस को ना मैं भी कह रहा हूँ 270 भी यहां से बना देना, सूर्य मैं कहता हूँ बना दे, पर ऑस्ट्रेलियंस यार जो बॉलिंग भी ऐसी कर रहे हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस इस समय सोचो ऑस्ट्रेलियंस के जहन में क्या चल रहा होगा, यहाँ कॉन्फिडेंस होगा। कल पैट कमिंस ने बोला क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पैट कमिंस ने साफ साफ बोला भाई मैं तो वो 130,000 लोगों को चुप होता हुआ देखना चाहता हूं, उसका इंटेंट देखो बंदे का, और हमारा इंटेंट बैट आता है डॉट, बैट आता डॉट, बैट आता डॉट, और एक एज। यार मुझे पता था केएल राहुल विकेट नहीं देगा, लेकिन मुझे आज पूरा भरोसा था कि केएल राहुल एंड में ना कवर अप कर लेगा, मारेगा रन।
आज भी उसने वही करा जो टी ट्वेंटी होती है शॉट बच गया आज भी उसने वही करा जो टी ट्वेंटी पे करता है बॉले वेस्ट करके हेड में आउट होकर भरवा के टीम को चला जाता है ऑरेंज कैप जीतता है टीम जाए भाड़ में पंजाब के साथ भाई आप मैच विनिंग सेल्फिश किसको बोलते हैं भाई आप टीम के लिए खेल रहे हो टीम को जिताने वाली पारी खेलो 107 बॉलों में एक चौका मारोगे कौन पूछेगा ऐसी पारी को भाई कुछ तो इंटेंट दिखा लो बॉलर्स क्यों विकेट ले पा रहे हैं